इनिंग्स ओपनिंग बैट्समैन मेरा आप तो मुझे जानते हैं, मेरी मुलाकात डॉक्टर अडवाणी से एक 3-4 महीने पहले हुई एक किसी वजह से, और मैंने देखा इनको करीब से और ये बहुत बिजी रहते हैं और इतना ये काम करते हैं. यू नो ही इज़ वन ऑफ द टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट इन द कंट्री. ऑन्कोलॉजिस्ट आता कैंसर ट्रीटमेंट के जो ही इज़ नंबर वन. उस अपना स्केड्यूल इतना इनका टाइट है, इसके बावजूद ही टेक्स टाइम ऑफ. एंड व्हेन ही रिक्वेस्टेड मी, आई मीन ही हैज़ अ चैरिटी हेल्पिंग हैंड विच एक्चुअली हेल्प्स पुअर पीपल और पीपल हु कैनॉट अफोर्ड, बिकॉज कैंसर ट्रीटमेंट आई नो फॉर अ फैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव. एवरीबडी नोज इट बट आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड, मोस्ट एक्सपेंसिव ever, because unfortunately that's what the case is. अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा because डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं कैंसर के बारे में it will be like. तो मैंने कहा कि he requested me to do a fundraiser and I immediately मैंने कहा it will be a pleasure, my not a pleasure, it will be an honor, and I am there, whatever you would like me to do and we'll do it. So that's how this whole thing came about. ये fundraiser है which is happening on the 15th of November at the Nehru Center, where I'll be singing and my team of musicians, everything is, so it's going to be a very nice evening. But the primary aim is to raise some funds to hai inke paas, but still to keep to make awareness of this problem as well as raise funds. Now I will hand over to Dr. Suresh Advani. He will tell you about his charity. Mr. Talat Aziz ne aapko bataya ki हम कैंसर के फील्ड में काम करते हैं लास्ट 45 ईयर्स ऐसा. तो हम लोगों ने जैसा देखा है धीरे धीरे, आपको भी आजकल तो देखा ही होंगे आपने, कि कैसे कैंसर बढ़ रहा है हर फैमिली में या उनके रिलेटिव्स में या किस में किस किस को कैंसर होता है आजकल. पर्टिकुलरली हम लोगों के पास दो कैंसर्स हैं जिसके लिए बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं. एक तो लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर है और मेल्स में माउथ कैंसर है. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने सोचा कि इसके बारे में ज़रूर हम कुछ करें, और ये ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस है और अच्छी तरह काम लास्ट ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जिसमें हम लोग पब्लिक में लेक्चर्स देते हैं, उनको अवेयर करते हैं, ये बताते हैं कि ये बीमारी कैसे इसको अर्ली डायग्नोस हो सकता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और अगर किसको हो भी जाए तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करके उससे निकलने का. मेन चीज़ जो है लोगों के दिल में बहुत डर बैठा हुआ है कैंसर के बारे में, ये डर भी निकालने का है. तभी हम लोग सोचते हैं कि ये प्रोग्राम वगैरह करके हम पब्लिक में अवेयरनेस लाएं अर्ली डायग्नोसिस के लिए और फियर रिमूव करने के लिए. बहुत सारे लेडीज़ हैं जो जिनको दिल में डर लगता है और उसके लिए उनको लंप भी हो जाता है ब्रेस्ट में, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत डरते हैं. ये सब के लिए हम लोग पूरा काम करते हैं. एक तो है कि अवेयरनेस करने का और दूसरा है अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करने का. हम लोगों के पास मोबाइल मेमोग्राफी है, वो हर सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन में जाके उधर मेमोग्राफी करते हैं. और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग पुअर हैं, पुअर इन द सेंस दैट दे कैन लिव नाइसली, दे कैन ईट ऑल राइट, बट दे कैन नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट. सब कुछ बहुत आजकल महंगा हो गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये भी मतलब सोचा है और अभी तक करते आए हैं. और इसमें ऐसी बात है जितना आप करेंगे वो थोड़ा ही है, कभी ऐसा नहीं होता है कि हाँ अभी कर लिया काम, ये तो होएगा ही नहीं क्योंकि इतना सारे लोगों को ज़रूरत है और हम सबको तो ज़रूरत पूरी कर ही नहीं पाएंगे. जितना हो सके उतना करना चाहिए और इसके लिए ये हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं. और हमारी ये बहुत मतलब अच्छा हमको लगा जब हम सतलत अजीज़ से मिले और सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सब ने हमको बताया कि कैसे
इनका संगीत से हम लोग एक तो पेशेंट्स लोगों को पेशेंट्स के रिलेटिव लोगों को मिलके उनके साथ संगीत का स्वाद लेके हम लोग कुछ कर सकते हैं पेशेंट के साथ के लिए. और दूसरा है कि ये हम लोगों को भी मदद करेगा कि हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करके इसमें बहुत सारे डोनेशन मिल जाते हैं कि हम लोगों का काम चलता है. तो हम तो पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि हमको जितना मिस्टर ललित ने हमको ये हेल्प किया इसका हम मुंह से बोल नहीं सकते. नहीं डॉक्टर साहब इतना तो मदद बहुत कम लोग करते हैं और बहुत हमारे साथ ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमारे साथ ये पूरा कोशिश करने की वो भी पूरा किए कोऑपरेट किया है. तो हमको लगता है कि आपके कोऑपरेशन से हम लोग बहुत कुछ आगे बढ़ सकेंगे काम कर सकेंगे और आपकी ब्लेसिंग से भी हम लोग सर थैंक यू चलना चाहेंगे. थैंक यू डॉक्टर साहब. मैं एक चीज़ आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर कि व्हेन डॉक्टर साहब सेड अबाउट द कॉस्ट्स जो आप हम लोग सब जानते हैं. अभी अभी मैंने डॉक्टर साहब को आपको बताना चाहता हूँ अभी अभी एक केस मेरे सामने आया. एक 19-year-old लड़की है कैलकटा में जिसको मीडियास्टिल बी सेल लिम्फोमा मतलब हुआ है बहुत ही रेयर काइंड ऑफ ब्लड कैंसर है लिकीमिया से. तो अब मुझे वो सामने उनकी रिपोर्ट्स आई तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब वी हैव टू डू समथिंग टू हेल्प दिस गर्ल शी इज़ ओनली 19 फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. एंड डॉक्टर साहब जस्ट सेड कि डेफिनेटली वील डू वॉट एवर वी कैन इन वॉट एवर वे बट जितना भी हो सके वी विल डू टू हेल्प. तो मकसद कहने का ये है कि अगर हम सब जुड़कर कुछ करें तो इसमें मेरा कोई इसमें वो बहुत मैं मेरा कोई क्रेडिट नहीं है. आई एम वेरी जस्ट पार्ट ऑफ इट. आई एम इनफैक्ट ये सवाब समझता हूँ कि हम इसमें जुड़ गए हैं तो इसका सवाब पता नहीं कई और तरीके से मिलेगा वो अलग बात है. बट देर इज़ टूडेज़ वर्ल्ड वी आर डूइंग यू नो देर आर लॉट ऑफ सो कॉल्ड पीपल डूइंग फंड रेजर्स एंड मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता बट वी वुड लाइक टू एक्चुअली फोकस ऑन पीपल हु एक्चुअली डू द रियल वर्क. और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही एक्चुअली आई थिंक डॉक्टर साहब इज़ हैविंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम. ही इज़ नॉट यूज टू कैमराज अभी ये बता रहे थे. तो ये जब इनके ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट किया तो आई वॉज वेरी हैप्पी. आई इमीडिएटली मैंने कहा कि इट वुड बी माई ऑनर एंड प्लेजर. तो ऐसा कोई मैं आप सर मैं आई एम ग्रेटफुल आपने मुझे यू हैव गिवन मी अ चांस टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट. एनी वे अब आप द फ्लोर इज ओपन टू As a woman, yes, as a woman, as a, I also get scared going for any kind of test or mammography, but this is a great thing. We are privileged and honored to be with Dr. Advani, and as much as I think we should appeal to everybody to help and support the cause and help raise as much funds for such an amazing cause. We are proud. Yeah, our organization, Helping Hand, it's known called Helping Hand. Basically, we are a group of people. Actually, it was started with Sunil Dutt, long back, when Mrs. Dutt was sick. And that's the time he had opened up this, but we did not do much at that level. Subsequently, Mrs. Priya Dutt, she is the one who is our patron of our organization, and she said that she will give every year in the some brave people who have suffered from the cancer and after suffering from cancer getting over it and then do the good work. Some of them have become very big people after conquering the cancer. They have also done lot of social work. They have transformed the society to some extent. So such people will be honored by her on every year. So we select normally about 7 people every year. That's 8 people every year. And that's during the event, this award is given. And I think that is one part there we started. Initially we used to have small functions, but now
we feel this should be publicized so that more and more people come to know, and more people will join with the organization to make sure that we achieve a better success in future. So I think this is a very important part of the function. Yes, of course. We had requested some of the film personalities, and I think again the main idea behind that is to see that the public, ultimately, what are we doing is for the public, and the interest of the public have to be generated. And we people working in the hospital, we don't generate the interest from the people. People recognize for the big personality in terms of those who are singing, who are acting in the, and therefore we requested him, and I treated one of his friend, and therefore he very kindly agreed to be present at that time, and I think that will give us a much more boost us. Yes, music definitely helps in healing, but music ka jo hai, Dr. Saab bhi batayenge aapko ke, it creates, releases endorphins in the brain, which is a feel-good factor, but it cannot be a cure for cancer. Cancer is a completely different, people actually think that cancer is a disease from outside. It is not, it is within your own body. Your own cells are multiplying. So this is something which is, as he said, he's an expert. But I have personally seen and experienced a lot of people I know closely who have been diagnosed with cancer who I never expected. And age bhi nahi hai. It's not a question of age. Ke ek saal ke baad ek 50, 60, 70, nahi. Now it has become very prevalent and it is becoming almost like, and I was talking to Dr. Saab, I said, how is this possible that a cancer is spreading so fast? Why is it? So he said a lot of factors, environmental, sociological, jo bhi hai, but ye phail raha hai bahut. To abhi jo bhi ho sake hum log karna cha rahe hain, we are doing it. And आजकल जैसे अगर हम लोगों के पास डेटा है, इंडिविजुअल डॉक्टर के पास तो अलग बात है, पर डेटा है, जैसे पूरे बॉम्बे, ग्रेटर बॉम्बे की डेटा, कैंसर रजिस्ट्री है, जिसमें हर एक पेशेंट का एंट्री हो जाता है. तो आजकल ऐसा देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में 1 out of 28 लेडीज इज गोइंग टू सफर फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर. दैट्स अ ह्यूज नंबर, 1 out of 28. और यूएसए में 1 out of 8 is going to suffer from the breast cancer. ये मतलब इतना इसका होने वाला है बहुत, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लास्ट 10 बरस में बहुत बढ़ गया. तो बढ़ने के रीज़न तो बहुत क्लियर कट है कि ये चेंज इन लाइफ स्टाइल, हम लोगों का लाइफ स्टाइल, वी हैव गॉन अवे फ्रॉम द नेचर. यू डोंट गेट ग्रीनरी इन बॉम्बे. सो वी हैव ऑल्सो द डेटा that in cities, the incidence is high. If you go to the Sholapur and all place, which is only 200 kilometers away, there it's 1 out of 100 ladies suffering from. So see the difference. It's all cities, Bombay, Delhi, Madras, Calcutta, they are full with the cancer patients. It's because we are going away from the nature. We are living in a concrete jungle. We are eating the food which is produced about 8-10 days ago. And then it comes with all the preservatives and all. We are also, particularly breast cancer, there are 3 or 4 main causes. One is the lack of activities. And I must admit that you go to the villages, see how ladies are working. I'm talking about physical activity. They have a tremendous physical activity. For the water, they have to walk about 1 kilometer to get the water. For everything, they have to walk. While in city of Bombay, it's either the auto, a car, a taxi, a train, everything is available at the door. And therefore, you hardly do any physical activity. Plus, of course, today in city, ladies are too busy. They don't have the time to walk
They are too busy in the office, they are too busy at home, and therefore the physical activities are very less. Second thing which is important is the period of lactation. We have calculated that in a city the period of lactation is less than 3 months, while in villages it's almost 2 to 3 years. So longer the period of lactation, less is the chance of getting the breast cancer. And third, which is also important factor, is the late marriage. If you have a first child after the age of 25, your incidence of breast cancer is double as compared to the ladies who get married before the age of 25 and have the first child before the age of 25. And that's what is common in villages. While in cities, you will hardly find ladies getting married before the age of 30. And same is true even in US. Hardly anybody thinks of marriage before the age of 35 or so. So all these factors are going to rapidly increase the breast cancer. And the best way is that we must diagnose it early. And if we diagnose it early, we can save the lady, we can save the breast also. Then you can just do a small surgery. So that's the advantage of it. So only thing which I think which will work is creating the awareness. And whole our emphasis of our organization is to make sure that the public is aware about. Dr. Sahib, this was their question, how do you select people who are not able to cope up with the cost of cancer treatment? Yes. Your charity does that. How do you do that? That's what he was asking, if I'm not mistaken. Yeah, I think people, obviously, many patients who come to us, they are not able to. And the word spreads automatically that there are some organizations. There are many organizations. Helping Hand is not alone. But there are many organizations which do this. And therefore, people who cannot afford, they come. And accordingly, they are selected according to the particular norms that you fill up some form. And we also, not only that we help them, but we have also many other organizations who tell us that you send us the patient, we'll help them. Many patients, our patients, they come and tell me that I will support one of your patients every year. So we have a list of that. We tell them that, look, this is a patient who needs, and they will support them for the drugs completely. So that is how we are able to really work, and ultimately. The main idea is to see that particularly those cancers which are curable, a patient should never go without treatment, because then you are losing the chance of cure. So we make sure that somehow or other he receives all the help, not only financial help that we are talking about, but the psychological help also. They need tremendous help. They need what we call it caregivers. And they really need the hand on which they can walk and do the treatment. So are you getting a benefit from the government of India? Like donation or donation from the government of India? Yeah, no. Government, they are doing also a lot of charity, in the sense that there are chief minister funds, there is a prime minister fund, and there are norms. So we have also the social worker who guides the patient how to apply for these. It requires really experience to apply. An ordinary person will not know how to apply. And once we send the application, many of these patients do get the help from the government. So I think it's government is also doing it, but alone government is not enough. It needs all of us together to make sure that we also contribute towards this, and that's how we can really work. जी हाँ, जो भी इससे जुड़ना चाहता है, हम उनको डेफिनेटली, अभी ये तो पहला मेरा कदम है इनके साथ. इससे पहले हम कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन के लिए भी हमने बहुत बहुत कुछ किया है 17 साल से. सो ऐसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बेसिकली, इनफैक्ट आप लोग सब जहाँ आए हुए हैं ना, तो यू आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द अवेयरनेस, बिकॉज यू आर मीडियम्स, इज नॉट जस्ट अस. आप लोग, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस नाउ. बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज दैट वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस,
because cancer research, in fact, for the last doc saab jante hain 2 saal se 1 saal se I have been doing research on my own through the net ki kya hai kya kya naye naye new treatments, he will know better. But I also found that there is so much of research happening, so much of new treatments happening, which like gene replacement therapy jo chal rahi hai, but it is not possible today in India right now because it's very expensive. It can cure, but now it is called CRISPR technology, but anyway, now let's not get into the technicalities, doctor. Yes. But aap jo keh rahe hain ki yes, there are a lot of people, I'm sure. See, sabse badi baat ye hai ki ye jo love C hai na, jab yes, when you hear the word C, sabka dil baith jata ekdam, yaar. So that is one thing which you, also the patient, I think, needs, doctor, if I'm wrong, please correct me. Their immune system needs to fight it, and they have to have the willpower to fight it. Then it can be fought better, if I'm right. Absolutely. I think this is very important. The purpose of this function is also to create, particularly with the music and with the words. You know, I mean, whenever I listen to all these ghazals and all, you find a tremendous peace in your mind. And that is what produces a positive feeling. And positive feeling is the most important thing for the patient. You have to make them positive, from negative to positive. And all of us working in this field, we are very much careful about that. And we feel that one of our job is not only to treat, but also create the positive feeling in the patient, so that he can really gear himself up to face the whole treatment. क्या सॉरी एड्स किसके एड्स विमल विमल इज कपड़ों के जो गुटका आई थिंक आप कहाँ इट्स बैंड नाउ इज़न्ट इट इट्स बैंड यार कौन सी बात कर रहे हैं एनी टोबैको एनी इट्स इट्स नॉट अलाउड अभी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं वैसे तो ड्रग्स भी बिक रही हैं वैसे तो एक्सटेसी भी बिक रही है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें यार वो तो इलीगल है जो इलीगल है उस पर क्या करें हम दैट इज़ नॉट द पॉइंट इज़ बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग पॉजिटिव देखिए अभी क्या है आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं अभी ये जो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप लोग आए हैं थैंक यू सो मच अप्रिशिएट इट वी अप्रिशिएट इट बट ये कितना ये बात स्प्रेड होती है ये सोशल मीडिया पे आप जानते हैं कि अगर कोई स्कैंडल होगा तो 2 मिनट फैल जाएगा अच्छी बात करो तो 1-2 लाइन आएंगी वो चली जाएगी ये हमारी ह्यूमन नेचर है सो वी हैव टू चेंज आवर नेचर वी हैव टू मेक इट मोर पॉजिटिव दैट्स व्हाट आई थिंक पॉजिटिव चीज़ों को आप ज़्यादा पुश करो और नेगेटिव चीज़ों को आप निकालो अभी देखिए नेगेटिव कितनी चीज़ें होती हैं तो सब थाड़ 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 हर जगह मतलब ये हुआ वो हुआ उन्होंने ये किया उसने ये किया उसने अरे कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए भी तो फैलाओ ना अच्छा किस मूड की गजलें पेश करेंगे आप नहीं ऐसा कुछ होता नहीं जब जो भी कॉन्सर्ट करता हूँ मैं जाता हूँ वहाँ पर और जो मेरी इतने सालों से हम गा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली माहौल बन जाता है जैसे ऑडियंस मिलती है माहौल मिलता है वैसे हम ऑटोमेटिकली वो बह जाते हैं ऐसा कुछ प्लान वही आई विल बी सिंगिंग लॉट ऑफ द पॉपुलर वंस एज वेल एज वॉट एवर माई मूड टेक्स मी दैट नाइट And I'm sure and I appeal to the people to buy. I've been, in fact, talking to some fans of mine. I said, aap log sunna chahte hain, toh aaiye ticket khareediye. You are helping a cause and come and listen and ask your friends also. So basically what is, it is not the concert which is important. It is the cause awareness which is important. Concerts hote rehte hain. 40 saal se concert karne koi nahi baat nahi hai. Lekin ye, achha ye, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से ये नहीं कि यही है लेकिन अब एक जुड़ गए हम क्योंकि इत्तेफाक से डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई 1.5 साल पहले हमारे एक करीबी दोस्त थे उनको कैंसर हुआ था एंड ही डाइड अनफॉर्चुनेटली ही वाज वेरी क्लोज टू मी वी मेट एंड देन वी सॉर्ट ऑफ यू नो फिर ये इन्होंने अपने घर पर बुलाया मैं गया एंड ही रिक्वेस्टेड आई सेड आई वुड बी अ प्लेजर तो दैट्स हाउ दिस होल थिंग केम अबाउट एंड आई विल बी देयर व्हाटएवर इन व्हाटएवर एंड माय वाइफ शी इज हेल्पिंग आउट एंड doing a lot of the designing she's an artist creative so basically all of us and their organization the ladies over there they're working from the helping hand to
make sure that everything goes as planned. Can I ask doctor a question? As a female, as a woman, if breast cancer is diagnosed in the early stages, so does it normally reoccur or doesn't have to reoccur? Breast cancer jab early stage mein hota hai, stage 1 or 2, isko hum log early stage bolte hain, aur 3 and 4 ko late stage bolte hain. So stage 1 or 2 mein 80 to 90% of the ladies recover. Will get cured completely. They will live a normal life. Okay. So, in fact, our function will be attended by many ladies who have been cured. What they call cancer survivors. Yes, that's right. I think it's a biological functions. They have. That's how we have been made. That's how humans are made. So it's a biological function. Therefore, the people who do not conceive, they have a high incidence of the breast cancer. So all these things are known. Like we know right from the beginning, only as a student we were told that the breast cancer is very common in nuns. And that's because they don't marry, they don't have the children, so it's common. So the thing is, probability increases, that's what he means. That's right. Yes. Probability. It doesn't mean that everybody will get it, but probability will be increased. That's right. Only 2% of it is hereditary. I think some people have that psychology. Yeah, no, only 2%. 98% is not hereditary. And it can be a sedentary lifestyle also. The cause? Yeah. That's right. One of the causes. And one of the causes why it's common in U.S. is because in U.S. most of the people are obese. You should see them, how obese they are in U.S. They love to eat and just they eat. Anything else, sir? So, if aap logo ko, I hope. Ji? Are you? Dr. Sapudi. ये अच्छा फोटो आप क्या करेंगे हम सिट बैठ बैठ के चलेंगे अच्छा किधर से स्टार्ट करें हो जाए तो बताओ तो हमको भी लेने दोगे भाई लोग हो जाए तो बताओ भाई लोग कर नहीं होते सर ये ये चलेगा ये छपेगा Tell us, sir, just one sitting picture. Just both shaking the hands together. Looking at it. Yes. Thank you. Thank you. You can also shake hands? Yes. He's on the other side. Sir, look in the camera. Excuse me. Thank you, sir. Thank you. Sir, look in the camera, please. Yeah. Yes. Ma'am, you're look in the camera. Yes. And we can just come here and stand next to Talatji. Yes. Sir, everyone here in the camera. Yes. Yes. Sir, look. Thank you. अच्छा थोड़ा सा आपके राइट में हाँ परफेक्ट थोड़ा सा उसे एक महीना रुक जाओ यस यस तलत सर जाएंगे क्या हेलो बीना मैम तुम जस्ट ज्वाइन तलत
थोड़ा रस बस बस परफेक्ट यस मैम सो चलो थैंक यू वेरी मच